कराची प्रेस क्लब अॻियां सिंध रवादारी मार्च जे काफ़िले ते पुलिस जो वहशियाणो तशदद ऐं गिरफ़्तारियूं, औरतुनि खे बि गिले पुलिस मोबाइल्स में विधो वियो। सिंध रवादारी मार्च जो काफ़िलो पुनल सारियो सिंधु नवाज़ गांगरो, जामी चांडियो ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में कराची प्रेस क्लब पहुतो त पुलिस मथनि कड़की पई। काफ़िले में शामिल अॻुवाणनि ऐं कारकुननि ते वहशियाणो तशदद। KTN न्यूज़ जे रिपोर्टर अल्ताफ़ चन्ना, पवन कुमार ऐं कैमरामैन अला रखियो जमाली खे बि तशदद जो निशानो बणायो वियो। पुलिस अहलकारनि कैमराऊं ऐं मोबाइल फ़ोन तोड़े छॾिया। सिंधु नवाज़ गांगरो, बचल तलो, आलिया बख्शो, अली पल, डॉक्टर सोरठ, वकार मला, सेब समेजो, फौजिया नूनारी, इस्माइल पमर, मुर्कुमनान, मीरा समेत केतिरा ई अॻुवाण ऐं कारकुन गिरफ़्तारी बाद आज़ाद कया विया। गुज़िरियल राति हैदराबाद मां गिरफ़्तार कयल जीए सिंध क़ौमी महाज़ जे अॻुवाण डॉक्टर न्याज़ कालाणी ऐं जीए सिंध महाज़ जो चेयरमैन रियाज़ चांडियो आज़ाद न थिया। रवादारी मार्च जो काफ़िलो दिन तलवार पचण खां अॻु ई इलाइक़े खे चइनी तरफ़नि खां बंदि करे पुलिस नफ़री मुक़ररु कई वई। सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि खां ईंदड़ काफ़िलनि जी रस्ता रोक, M9 मोटरवे जे टूल प्लाज़ा ऐं नेशनल हाईवे ते ससुई टूल प्लाज़ा वटि बि काफ़िलनि खे रोकियो वियो। कराची में अॻुवाणनि ऐं कारकुननि ते पुलिस जे तशदद ऐं गिरफ़्तारियुनि ख़िलाफ़ ठट्टो, नवाबशाह, रतोदिरो, मटियारी, हाला, घोटकी, कंदको, ठारूसा ऐं ठुल में एहतिजाजी मुज़ाहिरा। गंबट, फैज़गंज, सकरन, टंडो आदम, मीरपुर साकरो, मीरपुर भटोरो ऐं मांझंद में बि एहतिजाज कयो वियो। कराची जे सदर वारे इलाइक़े में मज़हबी जमायत जे मशरियल कारकुननि पुलिस मोबाइल खे बाहि ॾेई साड़े छॾियो। फायरिंग में हिकु ॼणो मारिजी वियो। चकरियुनि में हिकु अहलकार ज़ख़्मी। मज़हबी जमायत जो चवणु आहे त मारिजी वियल शख़्स संदन कारकुन आहे। कराची में कलम 176 लागू हुअण बावजूद शहर में दाख़िल थी एहतिजाज कयो वियो। पुलिस कानून जी भञकड़ी कंदड़नि खे हिरासत में वरितो। सहाफ़िन ते तशदद कंदड़ पुलिस अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी। घरू वज़ीर ज़ियाल हसन लंजार जो वीडियो बयान। घरू वज़ीर ज़ियाल हसन लंजार चयो आहे त जन माण्हुनि कानूननि जी भञकड़ी कई, उन्हनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई थींदी। प्रेस क्लब अॻियां सहाफ़िन ते पुलिस तशदद जी जांच जो हुकुम ॾिनो आहे। सुञाणप कराइण बावजूद सहाफ़िन ते तशदद कंदड़ अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त इस्लामाबाद में शंघाई तावन तंज़ीम जो सरबराह इजलास थियण वारो आहे। सॼी दुनिया जूं नज़रूं पाकिस्तान ते आहिनि। सियासी ऐं मज़हबी पार्टी मार्च जो ऐलान कयो त कंहिं बि क़िस्म जी शिकताण ऐं टकराउ खे रोकण लाइ कराची में कलम 146 लागू कयो वियो। जारी कयल बयान में सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त एहतिजाज कंदड़नि कलम 146 जी भञकड़ी कई, पुलिस मोबाइल खे बाहि ॾिनी वई ऐं सरकारी मिल्कियतुनि खे नुक़सान पहुचायो वियो। कानून जे ख़िलाफ़ वर्जी कंदड़नि ख़िलाफ़ केस दाख़िल कयो वियो आहे। शंघाई तावन तंज़ीम जे सरबराह इजलास में शिरकत लाइ परॾेही वफ़दनि जी आमद जारी। ज़रियुनि जो चवणु आहे त चीन जो 15 रुकनी वफ़द, रूस जो 76 रुकनी वफ़द, भारत जो 4 रुकनी वफ़द, कुर्गिस्तान जो 4 रुकनी वफ़द ऐं ईरान जो 2 रुकनी वफ़द इस्लामाबाद पहुची वियो। हुकूमत तहरीक इंसाफ़ खे 15 अक्टूबर वारो एहतिजाज मुलतवी करण जी अपील करे छॾी। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार चयो आहे त जेकॾहिं कंहिंखे एहतिजाज करणो आहे त कॉन्फ्रेंस खां पोइ करे। 9 मई वारी ग़लती खे दुरुस्त करण जो वक़्तु आहे। 3 ॾींहं सबुर कयो वञे। शराइ दस्तूर जे दौरे दौरान मीडिया सां ॻाल्हियूं। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी मॉडल टाउन लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां मुलाक़ात। मोहसिन नक़वी वज़ीर आज़म खे इस्लामाबाद में SCO इजलास जी तयारियुनि बाबति आगाह कयो। वज़ीर आज़म SCO सिक्योरिटी जे हवाले सां वफ़ाक़ी घरू वज़ीर खे अहम हिदायतूं ॾिनियूं। JUI सरबराह मौलाना फज़ल रहमान जो PTI अॻुवाण असद कैसर सां फ़ोन ते राबितो। 15 अक्टूबर ते शंघाई तावन तंज़ीम इजलास जे मौक़े ते रिथियल एहतजाज मुलतवी करण की अपील। असद केसर जो चवण है त मौलाना फजल रहमान से फोन से राब्तो थो। इस्लामाबाद में एहतजाज मुलतवी करण ऐं आइनी तरमीम बाबत सलाह मशवरा कया विया। मौलाना साहब 15 अक्टूबर वारो एहतजाज मुलतवी करण की अपील कई। कैसे बानी पीटीआई के तेबी सहूलतूं फराहम करण ऐं ज़ाती डॉक्टर ताईं पहुंच ॾियण वारे मुतालबे खां बि आगाह कयो। पीटीआई 15 अक्टूबर ते एहतजाज जो सॾु वापसि वठण लाइ बानी सां मुलाक़ात जो शर्त रखी छॾियो। पीटीआई अॻवान शेख वकास अकरम चयो आहे त बानी पीटीआई सां मुलाक़ात कराई वञे त एहतजाज जो सॾु वापसि वरितो वेंदो। ॿी सूरत में 15 अक्टूबर ते एहतजाज कयो वेंदो। एहतजाज दौरान को भी नुकसान थो तो उनकी जिम्मेवार हुकूमत होंगी।